भारतीय परंपरा में अग्नि के साथ आरती और पूजा करना आम है। जब कोई गुरु या किसी देवता या मूर्ति या गंगा की आरती करता है तब क्या होता है? फिर लोग आरती लेकर अपने चेहरे पर लगाते हैं। क्या आरती के बाद अग्नि में कुछ बदल जाता है? ऐसा नहीं है कि अग्नि बदल जाती है। अगर उस रूप से कुछ ऊर्जा निकल रही है और आप उससे जुड़ना नहीं जानते या आप में जुड़ने की क्षमता नहीं है पर आप जुड़ना चाहते हैं, तो अग्नि आप दोनों के आपस में जुड़ने का एक अच्छा माध्यम है। जैसा कि हमने कहा है, अग्नि का इस्तेमाल कई तरीके से लोगों को जोड़ने के लिए होता है। अग्नि के बिना भारत में कोई शादी नहीं होती, क्योंकि अग्नि की मदद से लोगों को जोड़ा जाता है। चाहे मेल शारीरिक हो, भावनाओं का हो या आध्यात्मिक, अग्नि के बिना मेल नहीं होता। इसी तरह से अगर कोई रूप, चाहे वो चित्र हो या देवता की मूर्ति हो, अगर उससे एक खास ऊर्जा निकल रही है तो खुद को उस ऊर्जा से जोड़ने के लिए अग्नि एक अच्छा साधन है। तो आप देखेंगे जब आप देवी मंदिर जाते हैं, जैसे ही कुछ लोग इकट्ठा हुए, अग्नि ताकि वो जुड़ पाए। ऐसा नहीं है कि वो बिना आग के नहीं जुड़ेंगी, वो जुड़ेंगी। पर आपको ग्रहणशील बनाने के लिए, आपको उसके लिए उपलब्ध बनाने के लिए, आपको ऐसा बनाने के लिए कि आप, अगर देखिए, अगर आप तत्वों के हिसाब से देखें, यू कैनॉट कनेक्ट विद पीपल वॉट एवर द अर्थ एंड वाटर दैट इज देयर इन समबडी और समथिंग। तो आप लोगों में मौजूद पृथ्वी या पानी से नहीं जुड़ सकते, पर अगर लोगों के बीच अग्नि हो तो कुछ है जो जुड़ जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको उस आयाम से जोड़ती है। देवता के चारों ओर घूमने वाली अग्नि की आभा में दिव्यता का गुण आ गया है। अग्नि में नहीं, अग्नि के चारों ओर मौजूद आकाश तत्व में दिव्यता का गुण आ गया है। तो जब आरती आप तक पहुंचे तब आग में हाथ मत डालिए, उसके चारों ओर मौजूद आकाश तत्व को लेकर अपनी आंखों पर या सिर पर या दिल पर रखें। आप आकाश को लेकर उसका लाभ लेना चाहते हैं। यानी आप अपनी भलाई के लिए दिव्यता का कुछ तत्व लेकर उसे अपना एक हिस्सा बना लेना चाहते हैं। तो पूरी आरती प्रक्रिया इसी दिशा में एक प्रयास है। ये तमाम चीजें आपकी मदद कर सकती हैं, हमें अपनी आंख को धीरे धीरे विकसित करने में मदद करती हैं। पर सबसे बढ़कर योग विज्ञान में कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें आग नहीं जलाई जाती, सारी आग अंदर ही जलाई जाती है। तो इसीलिए कथाओं में कहा जाता है कि योगी तप करते थे। तप यानी गर्मी या आग, तो वे अपनी अग्नि खुद पैदा करते हैं। तो जब भीतरी संभावनाएं ज्यादा न हो तब बाहरी मदद जरूरी होती है, पर अगर भीतरी संभावनाएं बनाई जाएं तो बाहरी मदद जरूरी नहीं होती। ये इसका एक सरल पहलू है।